हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड थर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डू सब्जेक्ट इंग्लिश, पोएम नंबर 17, क्यूरियोसिटी। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्यूरियोसिटी मीन्स चिल्ड्रन? क्यूरियोसिटी का मतलब मालूम है तुम लोगों को? क्यूरियोसिटी मतलब हर एक चीज़ की मालूमत करना, ज़बरदस्ती पूछना कि ये कैसा होता है, ये क्यों होता है, उसको बोला जाता है क्यूरियोसिटी। गॉट इट? नाउ विल स्टार्ट विद द पोएम। टेल मी एवरीथिंग, व्हाट मेक्स इट विंटर। अभी यहाँ एक बच्चे के ऊपर ये पोएम बना हुआ है जो एक ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मतलब उसको हमेशा ये मालूम होना पड़ता है, पूछते रहता है कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों है, काय के लिए है, ये सब चीज़ें क्यूरियोसिटी उसको बोलते हैं, जो हमेशा पूछते रहता है कि ये क्या है, ये क्यों है। गॉट इट? तो अभी वो पोएम में वो पूछ रहा है, टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब बताओ, बोलो बोलो सब बोलो, मतलब बताओ। व्हाट मेक्स इट विंटर? अब विंटर क्या बनता है? विंटर मीन्स ठंडी का मौसम, सीजन। गॉट इट? एंड देन स्प्रिंग, विच आर द चिल्ड्रन बटरफ्लाइज। उसने क्या पूछा पहला? टेल मी एवरीथिंग, व्हाट मेक्स इट विंटर एंड देन स्प्रिंग, विच आर द चिल्ड्रन बटरफ्लाइज। उसने ये पूछा कि बताओ मेरे को कि पहला विंटर कैसा बनता है, उसके बाद स्प्रिंग कैसा आता है। गॉट इट? फिर ये चिल्ड्रन बटरफ्लाइज मतलब जो बच्चे लोग हैं, चिल्ड्रंस की जो छोटे छोटे तितलियाँ बटरफ्लाइज है, वो कैसे हैं, वो कौन से हैं? गॉट इट? व्हाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज? लोग अपने आँख क्यों विंक करते हैं? विंक करते मतलब एक आँख जो बंद चालू होता है उसको बोलते हैं विंकिंग। गॉट इट? जो एक आँख जो ये करते हैं ना, घड़ी घड़ी बंद करते हैं, उसको बोलते हैं विंकिंग। अब वो ये पूछ रहा है कि ये लोग एक आँख क्यों विंक करते हैं। देन व्हाई डू बर्ड्स स्लीप? बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, चिड़ियाँ क्यों सोते हैं, ये कोई क्वेश्चन होता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन उसको वो क्यूरियोसिटी है, मालूम करना है कि ये सब चीज़ें क्यों होता है। गॉट इट? तो उसने ये पूछा कि व्हाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज, व्हाई डू बर्ड्स स्लीप, डू बीज लाइक टू स्टिंक, टेल मी प्लीज एवरीथिंग। बीज मतलब जो मधुमक्खी की बीज है या कोई भी ऐसा फ्लाइज है, वो स्टिंक करता है मतलब वो जो डंग मारता है, जो काटता है, उन लोग को वो अच्छा लगता है, बोलो बोलो सब बताओ मेरे को, वो वैसा पूछ रहा है। गॉट इट? टेल मी आई वॉन्ट टू नो, व्हाट मेक्स लीव्स ग्रो इन द शेप दे ग्रो। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बताओ बताओ मेरे को सब मालूम करना है कि लीव्स मतलब पत्ते कैसे ग्रो होते हैं, कैसे उगते हैं, और वो अलग अलग शेप्स में कैसे होते हैं। गॉट इट? वो अभी ये लीव्स के बारे में भी पूछ रहा है कि ये लीव्स ग्रो कैसे होते हैं, और होते भी तो ये अलग अलग शेप्स में कैसे होते हैं। वाई डू गोल्ड फिश कीप चूइंग? गोल्ड फिश आप लोग ने देखे हैं? यस चिल्ड्रन? अभी वो ये पूछ रहा है, वो गोल्ड फिश हमेशा चू करते हैं, हमेशा आप लोग देखो अगर ये फिश को देखते हैं गोल्ड फिश, तो वो उसके मुंह की तरफ, वो जो गले की तरफ वो हिलते रहता है, वो हमेशा चबाते रहता है। तो वो पूछ रहा है कि वो क्यों चबाते रहता है। अब उसका आंसर तो कोई दे ही नहीं सकता है, तो वो पूछ रहा है कि वो हमेशा चबाता क्यों है। एंड रैबिट्स ब्रबल देयर नोज जस्ट फ्रॉम हैबिट। रैबिट्स मतलब ससा, ससा को आदत है ना नाक हिलाने की, अपने ऊपर नीचे यूं यूं करने की, अब वो उन लोग की आदत है करने का, लेकिन वो क्यों करता है वो भी वो पूछ रहा है। गॉट इट? वेयर डज द विंड व्हेन इट गोज अवे गो? टेल मी और डोंट इवन ग्रोन अप स्नोज। अभी वो क्या बोल रहा है, ये विंड जो हवा आती है वो कहाँ से आती है, किधर पे जाती है, बताओ। या बड़े लोगों को भी ये बात नहीं मालूम है। ग्रोन अप नोज मतलब ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोग, उन लोगों को भी नहीं मालूम है। जब
ऐसे सवालों के जवाब हम नहीं दे सकते हैं तो हम लोग कैसा बताएंगे, गॉट इट चिल्ड्रेन। तो ये चीज़ जो कोई चीज़ के लिए ये नहीं रहता है, वो क्यूरियोसिटी है उसका, कि वो उसको मालूम करना है कि वो क्या है। गॉट इट चिल्ड्रेन, हैव यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ये एक बच्चे का स्टोरी था जो वो हर चीज़ जानना चाहता था कि ये क्यों होता है, कैसा होता है, लेकिन कुछ सवाल बड़े लोगों के पास भी नहीं था। गॉट इट चिल्ड्रेन, थैंक यू।